भैया पापा पापा मुझे 50 रुपए दे दो, आज स्कूल में पिकनिक के लिए जमा करना है। कितनी बार मना किया है तुझे? कोई 50-50 रुपए नहीं है। और तू स्कूल पढ़ने जाती है कि पिकनिक मनाने? चल जा स्कूल जा। बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और इन्हें पिकनिक मनाना है। ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? तो कैसे बात करूं? हाँ तुम तो दुकानदारों के पास अपना पैसा मांगने जाते नहीं हो, घर में पड़े इन मनहूस जूतों में केले ठोका करते हो। घर में राशन नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, डांटो नहीं तो क्या करूं? हाँ राम राम सेठ। और धीमू भाई सुबह सुबह यहाँ कैसे? सेठ थोड़ा पैसों की जरूरत थी, अगर हो सके तो मेरा हिसाब कर देना। क्या धीमू भाई, अभी अभी दुकान खोली है और तुम हिसाब मांगने आ गए? देखो अभी तुम्हारा सारा माल पड़ा है, एक भी नहीं बिक। जैसे ही बिक जाएगा वैसे दे दूंगा, अपनी जेब से तो दूंगा नहीं। माल तो बिक ही जाएगा सेठ, आपसे कभी मांगा है क्या? आज थोड़ी जरूरत थी इसीलिए आपके पास आया। यार देख, अगर तेरे को ज्यादा जरूरत है तो तू अपना माल उठाकर ले जा, अभी पैसे नहीं दे सकता। सेठ अभी बस 6,000 रुपए दे दो, बहुत जरूरत है, बाद में पुराना हिसाब कर देना। देख भाई दीमू, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ बैंकॉक घूमकर आया हूँ, कितना खर्चा होता है, मैं अभी एक दो दिन में तेरा हिसाब कर दूंगा, मना कब कर रहा हूँ। और हाँ मुझे ये नई जोड़ियां बनाकर दे, बहुत जरूरी है। सेठ अभी नई जोड़ियां कहां से बनाऊं? कच्चे माल वाले कहते हैं पुराना पैसा चुकाओ। सेठ बहुत जरूरत है, कुछ पैसा दे दो सेठ। अच्छा ये ले रख इसे। सेठ राम राम। राम राम, पैसे लाए मेरे? वो सेठ दुकानदारों ने बोला है कि एक दो दिन में दे देंगे, जैसे ही देंगे सबसे पहले आपका पैसा चुकाऊंगा। बस सेठ थोड़ा उधार दे देते। चलिए आप पागल हो गया है क्या? पहले का पैसा मिला नहीं, दूसरा माल लेने आज भाई आ दे। सेठ जूतियों के 2 ऑर्डर बाकी हैं, ऐसे सारा धंधा खराब हो जाएगा, थोड़ा माल उधार दे दो, आपके जल्दी पैसे चुका दूंगा। अबे पैसे तो तेरा बाप भी देगा, और ऑर्डर मुझसे पूछ के लिया था क्या? मुझे अपने सारे पैसे अभी चाहिए और आज ही चाहिए। ओए पैंट चेक करो बे इसकी, और जो भी कुछ है वो सब निकाल लो। भैया अरे कुछ नहीं है सेठ मेरे पास। अरे सेठ ठीक है, पीछे देखो, पीछे वाली पिज्जे में देखो। सेठ माल नहीं देना तो मत दो सेठ, लेकिन इस तरह बेइज्जत तो ना करो। भैया ठीक है, इज्जत होगी तो बेइज्जत होगा ना। ओए चेक कर, चेक कर, चेक करो बे। क्या सोच रहा है धीमू? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मर जाना, ना तो बीवी को खुश रख पा रहा है और ना बच्चों को। इस तरह रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार मरना। क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है धीमू? कुछ जा, कुछ जा, कुछ जा धीमू।
क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? नींद कैसे आएगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं? आप इस तरह से परेशान क्यों होते हैं? आप उन दुकानदारों से पैसे क्यों नहीं मांगते जिनके लिए आप माल बनाकर बेचते हैं? कितनी बार तो मांग चुका हूं, लेकिन वो लोग कहते हैं कल लेना परसों लेना, और सेठ लोग भी नया माल देने के लिए मना करते हैं, कहते हैं पहले पुराना कर्जा चुकाओ। चार आदमी के सामने बेइज्जत अलग करते हैं, ये कौन सी बात होती है? अपना पैसा भी हमें भिखारियों की तरह मांगना पड़ रहा है। अच्छा, आप इस तरह से परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। थोड़ा जरूरी काम है। अरे कुछ खा तो लो। आगे खाता हूँ, वो थोड़ी देर होगी। ये मेरे घर के कागज हैं। अगर मैंने दो दिन में आपका पैसा नहीं लौटाया तो ये घर मैं आपके नाम कर दूंगा। सेठ, मुझे बस 1,00,000 रुपए दे दो, मैं आपका एक एक पैसा 2 दिन में लौटा दूंगा। तू साले बड़ा डीढ़ आदमी है, जितनी गालियां दे उतना कम। कागज तो तेरे सब ठीक है, पर ये तो फोटो कॉपी है, असली कहां है भाई? सेठ, वो कागज घर पर है, लेकिन सेठ आप विश्वास रखो मेरा। देख देमो, अभी तो मैं तुझे 1,00,000 रुपए दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर 2 दिन में तूने मेरा सारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो मैं तुझे तेरे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल लूंगा। नहीं नहीं सेठ, ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप विश्वास रखो। ठीक है, ये ले। आप कहाँ थे सुबह से? थोड़े काम में फंस गया था। कौन से? ये लो। इतने पैसे? हाँ, जो अपने दुकानदारों से बाकी थे वो पैसे। मगर इतने? तुम विश्वास रख, मैंने कोई चोरी नहीं की है, नए ऑर्डर मिले। अच्छा ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा के आया हूँ। मम्मी मम्मी, मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। बच्ची को खाना दो, मैं बहुत थका हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए, आप इन्हें पेटी में रख दीजिए।
मैं धीमू आज अपनी इस घुटन भरी जिंदगी से बहुत थक चुका हूं। ना तो मैं वो खुशी अपनी बीवी को दे पा रहा हूं, ना ही अपनी बच्ची को। मेरी इस घुटन भरी जिंदगी के जिम्मेदार अशोक लाल और भवानी हैं, जिन्होंने मुझसे 1,00,000 रुपए लिया है और मेरे बहुत मांगने पर भी उन्होंने नहीं दिए। मुझे मानसिक तौर पर इतना परेशान किया है कि मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरी मौत के बाद इनसे मेरा पैसा लेकर मेरी बीबी सुलेखा को दे दिया जाए। Oh,